तो दोस्तों आज हम बात करेंगे LTTS के स्टॉक के बारे में। LTTS के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिलना था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हाईर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.28% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 5248 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 5354, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी, एक बड़ी बाइंग यहाँ से अगेन देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 5548, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 5761, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 5900, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 6000 और 6100 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 5108 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 4994 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 4888 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।